आलू और करेले की कलौंजी के लिए मैंने एक कांदा, बड़े बड़े लहसुन और अदरक ले लिया है। इसको मैं धनिया के साथ पीस लूँगी। और यहाँ पे मैंने करेले को अच्छे से छील के साफ़ कर लिया है, अंदर का बिया सब निकाल लिया है इसका, और आलू को भी मैंने कट कर लिया है। वैसे तो इसमें बेबी पोटैटोस पूरा एक अखा डालते हैं, बट मैंने 1/2 किया है। यहाँ मैंने मिक्स वेज सब्जी बनाई है, जो कि ऑल इसमें आलू है, मटर है, सेंगा है, टमाटर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है। ये ऑलमोस्ट होने आई है, पकने आए। सो ये पीस लिया है मैंने धनिया, अदरक, लहसुन और एक कांदा। अब इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं। इसमें मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, थोड़ा स्पाइसी बनाऊँगी। हल्दी थोड़ा सा, इसमें डालूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर इसमें डालूंगी मैं ये कलौंजी मसाला, जो कि मैंने घर पे पीसा है। इसमें है धनिया, सौंफ, जीरा, मंगरेल और मेथी का दाना। अब ये मसालों को मिक्स कर लूँगी। सो यहाँ पे मसाला मैंने मिक्स कर दिया है, और मैं इसको करेले को जो मैंने ऐसे बीच में सेव दिया है, ये मसाले को मैं इसमें भर देती हूँ। 5 करेला है और इतना आलू है। तेल मैंने रख दिया है गरम के लिए, तेल गरम हो रहा है। करेले के अंदर भर दूंगी मैं, और ऊपर से भी मसाला इसमें लपेट दूंगी। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का। ये मेरा वे है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और कई लोग तो इसमें कांदा को ऐसे मसालों को लाल करके भी भर के बनाते हैं, बट ये मुझे सबसे इजी लगता है बनाना। ये प्रोसीजर बेस्ट है अगर किसी को जल्दी जल्दी बनाना हो तो। बस इसका जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें तेल में डाल दूँगी, थोड़ा सा मल के डालना पड़ेगा क्योंकि ये छीटा हो रहा है। अब ये जो मसाला है इसी में मैं आलू डाल दूंगी। और आलू के ऊपर सारा मसाला अच्छे से कोट कर लेंगे, और आलू को भी तेल में डाल देंगे। सेम कढ़ाई में डाल दूंगी मैं, अलग अलग नहीं बनाऊंगी। आलू को भी मैं डाल दे रही हूँ करेले के ऊपर ही। इसके ऊपर कढ़ाई में फैला लेंगे अच्छे से। ऐसे खुला ही पकाना है, ये खुला ही पकेगा, ढकना नहीं है। सो अभी ये पकता रहेगा, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो भी मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। इसे सिर्फ बीच बीच में चलाना है। ये आधा हो गया है, मैंने इसे बीच में तीन से चार बार चला भी लिया था। अभी थोड़ा हाफ कुक्ड है, थोड़ी देर में हो जाएगा। इसे खुला ही पका रही हूँ इसलिए इसमें इतना टाइम लग जाता है। तो सब्जी बन के रेडी हो गई है, मैंने गैस से उतार दिया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।